किसानों के खाते में धान की बोनस के प्रथम किश्त आने को लेकर किसान नेता सुनील साहू ने तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। राज्यपाल के नाम SDM सागर सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया। राशि दिलाने की मांग की गई है। कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए लोग बरसे हैं। सूरजपुर से इमरान अहमद की रिपोर्ट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भैया थान के समस्त समितियों के 167 किसानों के खाते में आज तक जो राशि नहीं आई है, साथ ही इस जिले के 2319 किसानों के खाते में आज तक राशि नहीं आई है। संभाग की बात करें तो 10,000 किसानों के खाते में नहीं राशि नहीं आई है, और वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 81,183 किसानों के खाते में आज तक राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा नहीं आया है। इसको लेकर हम लोग जून में भी ज्ञापन दिए थे और 12 जुलाई को भी ज्ञापन दिए थे, लेकिन इसके बाद भी आज तक किसानों के खाते में जो राशि नहीं आई उसको लेकर एक दिवसीय सांकेतिक आज भैया थान तहसील के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को भी अवगत कराया गया कि अगर एक सप्ताह का समय पुनः सभी किसान भाई ने शासन प्रशासन को दिया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में राशि नहीं आती है तो एक बृहद आंदोलन सभी किसान भाई मिलकर करेंगे। कहाँ पे गड़बड़ी लगती है, किस जगह पे जाएगी, आखिर किसान परेशान क्यों? यह समझ से परे है, क्योंकि जो किसानों का समर्थन मूल्य का राशि है, जो किसान धान बेचे तो समर्थन मूल्य का राशि तत्काल किसानों के खाते में आ गया। जो केंद्र से जो पैसा मोदी सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा समर्थन मूल्य दिया जाता है वह राशि था, उस पैसे को किसानों के खाते में डालने में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो न्याय योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है उसे भी किसानों के खाते में डालने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरी मांग है कि तत्काल किसानों के खाते में यह राशि डालनी चाहिए। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम आपको मैं बताया कि अगर एक सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में राशि नहीं आता है तो सभी किसान मिलकर एक उग्र प्रदर्शन करेंगे। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो किया गया, ये 2500 रुपये बात करती है। पर सबसे पहले तो इन्होंने किसानों का रकबा ही काट दिया। किसानों का जो रकबा पहले सरकार में जो धान बेचते थे, आज उनका रकबा आधा हो चुका है। आधे रकबा में वो किसान धान बेच रही है, और वो आज जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस की राशि इनको जो देना था, निश्चित रूप से बहुत सारे किसान हमारे वंचित हैं, तत्काल अपन आज सांकेतिक रूप से किए हैं। आने वाले समय में अगर जैसा कि हम अभी अधिकारी तहसीलदार साहब से बात किए हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर इनकी राशि अगर किसानों खाते में नहीं जाती है तो इसी स्थल पर अपन उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे और सब किसानों के साथ मिलकर इसको हम सरकार के खिलाफ अपन उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये अपना नहीं मिलेगा।